चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्स माय न्यू परफ्यूम कलेक्शन। और आप लोगों को पीछे काफी सारे परफ्यूम्स दिख रहे होंगे कि मैंने काफी सारे न्यू परचेज किए हैं, और कुछ इनमें से ऐसे हैं जो मैंने ब्लाइंडली परचेज किए हैं। मोस्टली जो मैंने परचेज किए हैं वो मैंने सिफोरा से लिए हैं और शॉपर से लिए हैं। सब परफ्यूम्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उसके नोट्स भी चेक कर सकते हो, आप उसकी प्राइस भी चेक कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने सब कुछ खुद से परचेज किया है। एकदम मैंने सब कुछ परचेज नहीं किया, स्लोली स्लोली परचेज किया था, बट मैंने अनबॉक्सिंग का सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ ही अनबॉक्सिंग करूंगी। और इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैंने ब्लाइंडली परचेज किए हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनकी फ्रेग्रेंस कैसी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो ब्लाइंडली परचेज किए हैं क्या मुझे उस पर रिग्रेट होने वाला है या नहीं। आई हैव बॉट 16 परफ्यूम्स और उसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों इस वीडियो का मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी अनबॉक्सिंग, और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ और अपने सब परफ्यूम्स खोल के रखने वाली हूँ अपने। उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे परफ्यूम्स ओपन करने का और मैं भी वेट कर रही हूँ उसी चीज़ का, क्योंकि मैंने काफ़ी सबर किया था। आप लोग यकीन ही करोगे कि मैंने बिल्कुल भी ये ओपन नहीं किया, इसकी सील से पता चल रहा है कि ये एज इट इज़ ही मैंने ला के रख दिए थे। और मैंने इतना वेट किया है लाइक मे बी 2 months इस वीडियो को बनाने के लिए। आज वो दिन आ गया है और मैं इसको ओपन करने लगी। जो मेरा फर्स्ट परफ्यूम है वो जॉर्जियो आर्मानी का सी है। सो इसकी बॉटल जो है बहुत ही यूनिक सी है, बहुत ही क्यूट सी गॉर्जियस बॉटल है इसकी। और जो इसकी फ्रेग्रेंस है, ओह माय गॉड, दिस इज सो स्वीट फ्लोरल। आई एब्सोल्युटली लव दिस स्मेल, क्योंकि मुझे मैं ये ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और ये है थोड़ा स्वीट, रियली अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। अभी मैंने फर्स्ट जो कर लिया है, ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस, इज द परफेक्ट परफ्यूम जो कि मैंने पहले ही खोल लिया है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि आप लोग जब अपने कपड़ों के ऊपर परफ्यूम लगाते हो, अपने क्लोथ के ऊपर लगाते हो, तो आपको स्मेल डिफरेंट लगती है। अगर आप स्किन के ऊपर डायरेक्टली लगाते हो तो आपको इसकी फ्रेग्रेंस जो है, इसकी जो स्मेल है वो आपको डिफरेंट लगेगी। जब आपकी बॉडी के साथ मिक्स होकर स्मेल आती है वो डिफरेंट होती है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज। आज की वीडियो का जो फर्स्ट ओपन था वो था जॉर्जियो आर्मानी का सी। और एक्चुअली आई कांट डिसाइड कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है, क्योंकि मुझे सभी पसंद हैं। इतने जुबानी याद नहीं है इसके नोट्स क्या हैं, बट ये फ्लोरल, फ्रूटी फ्लोरल है। और मेरे मोस्टली जो परफ्यूम्स हैं वो आपको फ्रूटी फ्लोरल ही दिखेंगे, क्योंकि आई लव फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज, आई लव फ्लोरल स्मेल्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस वन इज़ फ्रूटी फ्लोरल। और इसके की नोट्स हैं जो वो रोज़, वुडी, वेनीला है। और मैं सब आपको डिटेल नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे ज़ुबानी तो याद नहीं है कि इनकी क्या है, बट मेन नोट्स जो होंगे वो फ्रूटी फ्लोरल होंगे। बाकी मैं यहाँ पर लिख दूँगी और कुछ मैं आपको पढ़ के बता दूँगी कि इनके क्या नोट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। सो द नेक्स्ट परफ्यूम इज़ वैलेंटिनो डोना बॉर्न इन रोमा कॉरल फैंटेसी। ये वाला मैंने पहले यूज़ नहीं किया था, बट आई हेयर्ड अबाउट दिस अ लॉट, काफ़ी सारी मैंने वीडियोज़ देखी और काफ़ी सारी लाइक लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वैलेंटिनो कॉरल फैंटेसी ज़रूर लूँगी। सो फाइनली ये मैंने ले लिया है, दिस वन इज़ न्यू इन माई कलेक्शन। ओके, तो इसकी पैकेजिंग और इसका कलर बहुत ही क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। दिस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट स्मेल, ये वाली मैंने पहले नहीं यूज़ की है। और इसकी बॉटल, लव दिस बॉटल, इसकी वजह से ही मैंने ये परफ्यूम परचेज किया है। और काफ़ी फ्रेश सी फ्रेग्रेंस है इसकी, फ्रूटी फ्लोरल तो है ही है, बट बहुत ज़्यादा फ्रेश मुझे लगी है। इट्स मोर लाइक अ समर वेकेशन फ्रेग्रेंस। और इसके जो मैं नोट्स थोड़े से बता देती हूँ, ऑरेंज जैस्मिन और रोज है इसमें। द कॉरल स्काई ऑफ रोमा इंस्पायर्स अ फ्लोरल फ्रूटी परफ्यूम ट्विस्टेड बाय अ ब्राइट एंड जूसी ऑरेंज अकॉर्ड। सो इसकी मैं सारे नोट्स आपको यहाँ पे डाल दूंगी। अगर आप लोगों को कोई परफ्यूम इसमें से परचेज करना है तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कौन सा परचेज कर सकते हो, बट दिस वन इज रियली गुड। लव द बॉटल, कितनी फैंसी सी इसकी बॉटल है ना। मेरे पास परफ्यूम है और मैंने जो परचेज किया है, दिस वन इज अगेन जॉर्जियो आर्मानी का माई वे। और इसमें दो परफ्यूम्स हैं, एक है इंटेंस और एक था ओरिजिनल। तो मैंने इंटेंस लिया है क्योंकि इंटेंस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग था
और इसका मुझे डिफरेंट भी लगा था ओरिजिनल और इसकी फ्रेग्रेंस में, सो आई लाइक दिस बेटर। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मेरी मोस्टली जो परचेज हैं वो सिफोरा से हैं, तो आप सिफोरा की ऐप ओपन करो और इसका बारकोड स्कैन करो तो वो जो आपने परचेज किया है वो सामने आ जाएगी आपके। सो दिस वन इज़ अरमानी ब्यूटी माई वे इंटेंस। सो इसकी जो बॉटल है वो ब्लू एंड पिंक है, आई लाइक ब्लूज आई लाइक पिंक, तो इसकी बॉटल जो है वो मुझे बहुत ही क्यूट लगी। मैं ये लेने गई थी तो मैंने काफी रिसर्च किया था कि मैं कौन सा वाला लूँ, इंटेंस लूँ या ओरिजिनल लूँ। सो सम पीपल लाइक इंटेंस, सम पीपल लाइक ओरिजिनल, तो मुझे ये इंटेंस ज्यादा अच्छा लगा था। दिस वन इज मोर लाइक अ समर स्मेल, इसको खोलते ही एकदम इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस फ्रेश फ्रेश सी आ गई। वन इज रियली यूनिक एक्चुअली, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है इसकी फ्रेग्रेंस। और इसकी एक और बेस्ट बात मुझे क्या लगी है कि आप इसको रिफिल कर सकते हैं, इनके रिफिलर्स आते हैं साथ में, यहाँ पे मेंशन भी है कि आप इसको ओपन करके रिफिलर्स के साथ कर सकते हो, आपको दोबारा से न्यू बॉटल परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस वन इज माई वे जॉर्जियो अरमानी का और इट्स अ क्लासिक फ्लोरल, और इसके जो की नोट्स हैं वो है ऑरेंज ब्लॉसम ट्यूबरोज वनीला। सो माय नेक्स्ट परचेज इज चांस शैनेल और इसको मैं ओपन करने वाली हूँ। और मैंने इसका जो एक्चुअली मैंने इसको पहले ही ओपन करके जिस दिन मैंने परचेज किया था मैंने उसी दिन लगा लिया था, और जब मैंने लगाया लिटरली माय सिस्टर वाज आस्किंग मी कि तूने क्या परफ्यूम लगाया, क्या परफ्यूम लगाया, दिस वन इज सो फ्रेश फ्लोरल फ्रूटी फ्रेश, एकदम समर स्मेल है। और ये बहुत ही लाइक मुझे तो बहुत ही ये ब्राइट स्मेल है एक्चुअली, ये फ्रेश है कि लाइक मैं लगा के जब गई थी तो मेरी बहन कहती ओ माय गॉड मुझे ये नेक्स्ट परफ्यूम चाहिए, मुझे बहुत पसंद आया है। और मुझसे एक दो लोगों ने भी पूछा, लाइक वी वेंट आउट फॉर कॉफ़ी और वहाँ पे जब मैं बैठी तो लिटरली जब मैं ऑर्डर करके वापस आई तो वो मुझे बोलती व्हाट आर यू वेयरिंग, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मुझे यकीन मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा लाइक ब्राइट स्मेल है कि लोग मुझसे पूछेंगे रोक रोक के क्या व्हाट आर यू वेयरिंग। नार्सिसो का ये मेरे पास परफ्यूम है और ये वाला मैंने शॉपर से परचेज किया था ड्रग मार्ट से, सो यू जस्ट नीड टू स्कैन और आपके सामने आ जाएगा। ओ माई गॉड दिस वन इज पिंक वन, मुझे लगा इसकी बॉटल देख के ये मैंने पिक किया था एक्चुअली ब्लैक सोच के, पर इसका ब्लैक बॉक्स है बट अंदर इसके पिंक है, सो लेट्स सी। और पीछे भी बना हुआ है एक्चुअली पिंक, मैंने ब्लैक वाला परफ्यूम बॉटल लेना था क्योंकि जब मैंने टेस्टर चेक किया था तो मुझे ब्लैक वाला अच्छा लगा था, बट पिंक इज सो क्यूट। इसकी लिटरली मुझे स्मेल नहीं आ रही, मुझे सिर्फ सी की आई जा रही है क्योंकि वो मैंने सबसे पहले ट्राई किया था, और ये वाला इसकी मुझे नहीं आ रही है, उनसे डिफरेंट है, नॉट बैड। वन इज फ्रूटी फ्लोरल रोज मस्क पैचुली, और इफ आई एम प्रोनाउंसिंग समथिंग रॉन्ग तो प्लीज इग्नोर कर देना, डोंट जज मी, कुछ वर्ड्स नहीं सही से बोल पाती हूँ मैं, कुछ परफ्यूम्स के नाम जो हैं वो भी इट्स अ फ्रेंच नेम तो शायद मैं सही से प्रोनाउंस ना कर सकूं किसी को। इज वेरी लाइट काम स्मेल, अगर आप लोगों को लाइट और काम स्मेल्स पसंद हैं तो दिस वन इज फॉर यू नार्सिसो, बहुत अच्छा है। तो अब मैं खोलने वाली हूँ जेडोर, और जेडोर डियोर का है और इसकी बॉटल मुझे बहुत क्यूट लगती थी, सो दिस वन इज क्यूट सी इसकी बॉटल और बहुत ही मुझे मज़े की ये लगी थी एक्चुअली, इस बॉटल की वजह से मैंने परचेज किया था। और इसके नोट्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, इट्स अ वार्म फ्लोरल एक्चुअली, सो मेरे पास ज़्यादा वार्म स्मेल्स नहीं हैं बट दिस वन इज रोज जैस्मिन डमस्कस एंड ज्लंग ज्लंग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस ज्लंग ज्लंग बट आई विल राइट इट हेयर, आप लोग पढ़ लेना कि क्या है वो। बट सो अब मैं वो परफ्यूम ओपन करने वाली हूँ जिसके बारे में हर कोई बात करता है, लाइक मैंने जब परफ्यूम्स देना शुरू किए थे तो मैं उसको छोड़ आती थी फिर मैं कुछ और ले आती थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं हर एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट परफ्यूम तो मुझे वो परचेज करना चाहिए, तो मैंने फाइनली वो परफ्यूम परचेज कर लिया विच इज़ वाई एस एल। ये भी मैंने सिफोरा से ही परचेज किया है, दिस वन इज़ वार्म फ्लोरल, सुनने में आता है दिस वन इज़ वेरी बोल्ड एंड फ्लोरल स्मेल, और मैंने आज तक नहीं यूज़ किया है, मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको ओपन, मैंने सोचा कि मुझे भी ले लेना चाहिए क्योंकि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है तो मेरी कलेक्शन में ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, सो मैंने फाइनली ले लिया। सो जब सबने बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की, जहाँ पे भी मैं खोलती थी ये YSL परफ्यूम निकलता था, मैं और मैं भी अब अपनी परफ्यूम कलेक्शन में कह सकती हूँ कि येस आई हैव
दिस वाई एस एल लिब्रा। ट्राई किया है इसको और मुझे इसकी जो स्मेल आ रही है एकदम से उसने सी और बाकियों को खत्म करके इसकी स्मेल आने लग गई है मुझे। सो दिस वन इज रियली बोल्ड एंड फ्रेश एंड फ्लोरल स्मेल और इट्स लाइक अ मिच्योर स्मेल, ये नहीं कि ओल्ड लेडीज वाली मिच्योर, बट दिस इज रियली समथिंग डिफरेंट, लाइक बॉसी स्मेल। और इसके बारे में मैं क्या कहूँ, किस तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि ये मुझे एकदम से अच्छी लगने लग गई है। मैंने इतना इसको टेस्ट किया, इतना इसको मैंने ट्राई किया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बट अभी मैं काफ़ी परफ्यूम लगा के बैठी हूँ, चेक कर रही हूँ, बट जैसे ही मैंने ये लगाया एकदम से वाइब ही चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आफ्टर फ्यू वीक्स और आफ्टर अ मंथ एक और वीडियो डालूंगी कि इनमें से मेरी फेवरेट परफ्यूम कौन सी है और कौन सी मैं रिपर्चेज करने वाली हूँ। और या आई एम लविंग दिस, मुझे यही आई जा रही है अभी तक। तो स्मेल इज मोर लाइक आप इवनिंग में भी पहन सकते हो, आप किसी फॉर्मल पार्टीज में भी इसको वेयर कर सकते हो। दिस वन इज नॉट कैजुअल वाली स्मेल, मुझे लगता है कि ये जरा स्पेशल ओकेजन्स वाली स्मेल है। आप किसी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो तो आप पहन सकते हो, आप किसी नाइट पार्टीज या डेट पे जा रहे हो तो तब भी आप। और मैं परफ्यूम्स को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रही हूँ तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। बट एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को कौन सा परफ्यूम अभी तक अच्छा लगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अब बारी आती है मेरे मोस्ट अवेटेड परफ्यूम की, जो मैं कि ओपन ही नहीं कर रही थी। इसको एक मंथ हो गया मुझे परचेज किए हुए, इट्स अ गुची फ्लोरा। और ये वाला परफ्यूम जब मैंने लिया तो मेरी बहन को बहुत पसंद आया था, उसके लिए भी मैंने एक्चुअली मंगवाया था। एक मैंने अपने लिए ये मंगवाया था और उसके लिए मैंने ट्रैवल साइज तो नहीं, कुछ गिफ्ट सेट था वो मंगवाया था, बट वो बहुत ही टाइनी टाइनी थे, वो मैंने फिर वापस भेज दिया। मैंने कहा नहीं, इतने ज़्यादा छोटे छोटे क्या करने और इतने महंगे थे। इसको परचेज करने की काफ़ी सारी वजह थी, एक तो वजह थी इसकी बॉटल जो कि थी पिंक कलर की, जो कि मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि आई हैव टू बाय दिस क्योंकि ये पिंक है। दूसरी ये थी फ्लोरल, और तीसरी के मुझे ये जब मैंने स्प्रे किया था, तीसरी के जब मैंने ये स्प्रे किया था शॉप में टेस्ट करने के लिए लेने के लिए, तो मुझे इतनी इसकी अच्छी स्मेल लगी कि फर्स्ट डे तो हम लोग छोड़ के आ गए थे कि हम लें कि ना लें, थोड़ा सा कंफ्यूज थे, बट मेरी बहन ने मुझे इतना इंसिस्ट किया, उसने बोला कि नहीं यू हैव टू बाय दिस, ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स हो चुके हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि मेरी मोस्ट फेवरेट कौन सी है। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ माई सेकेंड फेवरेट, माई थर्ड फेवरेट, फर्स्ट मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मेरी फर्स्ट फेवरेट। मेरे पास ज़्यादा परफ्यूम्स नहीं थे, लिमिटेड परफ्यूम्स थे, लाइक बहुत पहले नहीं जा रही हूँ, रिसेंटली की बात कर रही हूँ, लाइक टू ईयर्स और वन ईयर्स पहले की, वन ईयर पहले की, कि मेरी तब मोस्ट फेवरेट जो अभी तक चल रही थी वो थी गुड गर्ल। इन परफ्यूम्स के अलावा बता रही हूँ, वो मेरी गुड गर्ल थी, दैट परफ्यूम इज वन ऑफ माई फेवरेट रहा था। सो अब टॉपिक से हट गए हैं, अनबॉक्सिंग से हट गए हैं, गुड गर्ल की बात आ गई है, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को बता ही दूँ गुड गर्ल के बारे में कि ये मेरा बहुत फेवरेट रहा है। आई लव दिस परफ्यूम, आई लव टू वेयर दिस, आई एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटली लव दिस परफ्यूम। और ये मुझे बहुत लाइक आई लव दिस बॉटल, और ये इतनी मुझे क्लासी बॉटल लगती है, इतनी सेक्सी बॉटल लगती है कि मेरा दिल करता है कि जस्ट मैं हर टाइम यही वाला परफ्यूम लगाऊँ। इट्स अ लाइक फ्रूटी फ्लोरल वार्म, और लाइक इसके नोट्स भी मैं लिख दूंगी यहाँ पे कि बहुत अच्छी है। मुझसे लिटरली लोगों ने पूछा कि व्हाट आर यू वेयरिंग जब जब मैंने ये लगाई है, और ये मैंने इतनी ज़्यादा लगाई है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताती चलूँ कि मेरे पास कैरोलिना हरारा के दो ये परफ्यूम्स हैं गुड गर्ल। एक्चुअली एक मेरी बहन ने मेरी बर्थडे पर मुझे दिया था और दूसरा मैंने खुद परचेज किया था, मुझे इतना अच्छा लगा था, एंड इट डज़ लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम। सो अगर आप लोगों ने गुड गर्ल नहीं अभी तक लिया तो आप लोगों को लेना चाहिए, काफ़ी लोगों का फेवरेट है। सो हाँ, मेरा भी ये फेवरेट है अभी तक, बाकी जो मैंने लिया है उसका मुझे नहीं पता, बट आई रियली लव। वापस चलते हैं जो हमारी अनबॉक्सिंग चल रही थी, और ये वाला परफ्यूम भी मैंने शॉपर से लिया है, दो तीन और भी मैंने लिए थे शॉपर से, शायद मैं आपको बताना भूल गई, और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगी, प्राइसेस भी मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग देखना चाहते हैं। इज अगेन वाई एस एल मोन पैरिस, और ये वाला परफ्यूम भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। सो दिस वन इज़ फ्रूटी फ्लोरल, वाइट मस्क भी मुझे बहुत पसंद है, वाइट मस्क परफ्यूम्स मैंने पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। दिस वन इज़ सो काम, फ्रेश भी आपको लगेगा ये लगा के, और ब्राइट ब्राइट भी लगेगा। सो आई थिंक मेरी मोस्टली परफ्यूम्स जो हैं वो समर के लिए बेस्ट हैं, बाकी विंटर्स में भी स्प्रिंग में भी कभी भी आप लगा सकते हो, डे नाइट इट्स टोटली अप टू यू। बट काफ़ी अभी जो मेरी कलेक्शन है रिसेंटली वो बड़ी
समर वाली फील देती है। लंबी वीडियो होती जा रही है, मैं ट्राई तो कर रही हूँ छोटी करूँ पर मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी लंबी हो जाती है। ओके, तो एक परफ्यूम है जो कि मेरी बहन यूज़ करती है, मेरे पास भी समयाकी का है बट कुछ डिफरेंट वाला है, बट मेरी बहन एक यूज़ करती है समयाकी का, वो मुझे इतना पसंद है एंड आई जस्ट लव दैट। लगाती है, जब भी लगाती है मैं हमेशा पूछती हूँ कि कौन सा परफ्यूम लगाया है, और मैं उसको ये वाला परफ्यूम भी देने वाली हूँ क्योंकि इसमें टू परफ्यूम्स हैं, वन इज़ 90 ml, वन इज 30 ml। तो 90 ml मैं खुद रखूँगी, 30 ml उसको दूंगी क्योंकि उसके पास इस समय आकी का ऑलरेडी एक है भी। सो ये वाला जो है बहुत अच्छा है, इस समय आकी अगर आपने वो मैन नहीं यूज़ किया कभी तो आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ मैं, ज़रूर करें। अभी इसको मैं खोल भी नहीं रही, उसकी मुझे पता भी नहीं है कैसी है स्मेल, बट जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे हैं मैन और वोमेन वो बहुत अच्छे हैं, उनकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है। मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी दोनों की, जो मैं जिनके बारे में बता रही हूँ आपको, वो बहुत लाइक सच अ क्लासी परफ्यूम। अगर आप लोग वाकई में लिटरली लोग रोक रोक के पूछेंगे कि आपने क्या परफ्यूम लगाया है। सो इसमें से ये दो बॉटल्स निकली हैं, वन इज़ स्मॉलर वन इज़ बिगर। सो बिगर मैं रखने वाली हूँ, स्मॉलर मैं अपनी बहन को देने वाली हूँ। तो मैं अपनी बॉटल का इसका टेस्ट करती हूँ किस किस क्या स्मेल है। एक्चुअली सारी स्मेल्स मिक्स हो गई हैं, मुझे कॉफ़ी रखनी चाहिए थी, बट दिस वन इज़ वे फ्रूटी ट्रॉपिकल, लाइक ज़्यादा ही स्वीट है ये मुझे लगी, और इसमें फ्लोरल का टच मुझे कम लगा है बट फ्रूटी ज़्यादा लगी है। स्वीट रोज हनी पेयर क्रीमी सैंडलवुड, तो ये वाली भी शायद अगर मैं सेपरेटली यूज़ करूँगी तो ही मैं जज कर पाऊँगी कि ये वाली कैसी है स्मेल। सो दिस वन इज़ सेल्वेटोर फ्रेगामो, अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही तो आप लोग खुद जाके चेक कर लेना इसका नाम क्या है, काफ़ी मुश्किल सा इसका नाम है, और ये बिल्कुल मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, ये वाला मैंने कभी नहीं लिया। बट जब मैं परफ्यूम कलेक्शन की वीडियोज़ देख रही थी तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में भी बात की थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ये ले लूँगी। दिस वन इज़ माई फर्स्ट स्निफ एंड फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस परफ्यूम। तो इसको खोलते हैं और इसके नोट्स भी देखते हैं कि क्या हैं। ये वाला एक्चुअली माई ब्लाइंडली परचेज है, इसको मैंने टेस्ट तक नहीं किया था कि क्या है, बट सिर्फ मैंने सुना था कि ये कैसा है, लोगों ने बोला था कि दिस वन इज़ रियली गुड, यू हैव टू बाय दिस, तो मैंने बोला कि चलो। और इसका बॉटल इतना क्यूट है और पिंक कलर की है, तो लाइक वाई नॉट, कौन इस बॉटल को क्यूट सी बॉटल को ना बोलेगा, और इतना क्यूट सा बो बना हुआ है। ये बहुत ही डिफरेंट सी स्मेल है, मैं दिस द फ्रेश फ्लोरल येट वुडी फ्रेगनेंस, फ्लोरल भी है और वुडी भी है। सो दिस वन इज सो क्यूट, ये मैंने कभी नहीं पहले ये लाइक यूज़ किया, दिस वन इज़ न्यू टू मी। और सो दिस वन इज़ टॉरे बर्च, और इसकी बॉटल मुझे बहुत क्यूट लगी थी, और इसकी फ्रेगनेंस भी मैं आपको बताती हूँ। और अगेन एक और पिंक बॉटल मेरी कलेक्शन में आ गई है, पिंक पिंक सी है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी इसकी बॉटल, और इसकी जो फ्रेगनेंस है थोड़ी डिफरेंट है। मेन नोट्स हैं, की नोट्स हैं इसके पेपरमेंट, रोज, ऑरेंज और सैंडलवुड। दिस वन इज़ रियली डिफरेंट, और मुझे ये सिर्फ बॉटल क्यूट लगी थी जिसकी वजह से मैंने लिया था। आई एम नॉट श्योर कि थोड़ी देर बाद अगर इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, अभी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। इसकी मैं रिव्यूज़ देती हूँ क्योंकि काफ़ी फ्रेगनेंसेस और काफ़ी स्मेल्स ऐसी होती हैं जो कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स के बाद आती हैं, तो ये शायद उनमें से एक हो मुझे अभी तक। सो यहाँ पे एक लैनकॉम का आया मेरा परफ्यूम, और इस लैनकॉम के परफ्यूम की स्टोरी ये है कि ये मैंने अपनी बहन से मारा था, एक्चुअली ट्रेड किया था उससे, उसको इतनी फ्लोरल स्मेल्स नहीं अच्छी लगती हैं अपने लिए, लाइक उसको पता है कि मुझे फ्लोरल फ्रेगनेंसेस पसंद हैं, तो मैंने ही ये उसको गिफ्ट दिया था उसकी बर्थडे पे, एक ये दिया था एक कोच का दिया था, तो मैंने अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली उसको दे दिया था, मुझे उस टाइम पे ये बहुत अच्छा लगा था, तो मैं ये भूल गई थी कि मुझे उसकी चॉइस का परफ्यूम देना चाहिए जो कि अब मैं लेटर ऑन दूंगी उसको। तो यहाँ पे मैंने उसके साथ ये ट्रेड किया था, मैंने उसको अपने सीके के मिनिएचर्स थे वो मैंने इसको दे दिए थे, और उसकी जगह मैंने ये उससे ले लिया था, वैसे भी वो ये यूज़ करने वाली नहीं थी। ये तीन लाइक सेट, गिफ्ट सेट बना हुआ है जिसमें ये परफ्यूम है आइडल, और बहुत ही स्लीक सी इसकी बॉटल है, और आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉपरली खड़े हो पाएगी कि नहीं, बट दिस वन इज़ वेरी स्लीक, इसको नहीं। ओके, तो इसकी जो मैंने स्मेल है मैंने बहुत बार ट्राई की है,
बहुत बार इन अ सेंस के आप लैंडकॉम की आपको हर जगह पे अगर आप परफ्यूम सर्च करते हो एक बार तो आपको हर जगह पे लैंडकॉम का तो मस्त दिखेगा परफ्यूम। और इसके बारे में लोगों ने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए थे कि ये मैं इसको लेने से रोक नहीं पाई थी और मैंने लिया था तो मैंने अपनी बहन के लिए ही ले लिया। इसके साथ ही साथ ये इसके इन्होंने दिया है लोशन। और मैं यहाँ पे एक और आपको बात बताती चलूँ, बहुत बड़ी डिबेट है इस बारे में कि अगर आप परफ्यूम लगाते हो कपड़ों पे तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, अगर आप कपड़ों पे लगाते हो तो आई थिंक कि उसकी स्मेल वो नहीं आती है जो बेसिकली उसकी मेन स्मेल होती है। जो आप लोगों को स्किन के ऊपर परफ्यूम हमेशा लगाना चाहिए, लगा लो जहाँ पे आपको वेंस दिखती हैं वहाँ पे लगाना चाहिए ताकि आपका वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और आपको अच्छा फ्रेश फील भी करता है। वो आपकी बॉडी के साथ जब मिक्स हो जाता है परफ्यूम तो वो एक तो बहुत अच्छी आपको उसकी फ्रेग्रेंस। और दूसरी जो मैं बात बताने लगी थी मेन के लोशन इसके साथ मोस्टली आते हैं तो ये अगर आप लगा के अपने हाथों पे लाइक आर्म्स पे तो परफ्यूम लगाते हो तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। आप नॉर्मल परफ्यूम जो आपके पास घर में है आप उस पर भी लगा के परफ्यूम लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको ब्रांड जौन सा ब्रांड का परफ्यूम है उसी ब्रांड का लोशन भी चाहिए। मेरे पास वैसे काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, मेरे पास गुड गर्ल का है, लैनकॉम का आ गया है, जीवांची का है एंड हाँ काफ़ी सारे मैंने गिफ्ट सेट्स जब लिए थे ना। और एक और मेन बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप अपने परफ्यूम्स हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बहुत ठंड भी नहीं है बहुत गर्मी भी नहीं है। हमेशा अपने परफ्यूम ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपको पता है कि वो सेफ हैं। और वॉशरूम्स में तो बिल्कुल भी परफ्यूम ना रखें, ये बात मुझे भी पहले नहीं पता था बट मैंने अभी जब परफ्यूम्स परचेज करना शुरू किया, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू की उसके ऊपर, तो उसको लॉन्ग लास्ट रखने के लिए आपको वॉशरूम में कभी भी नहीं रखना चाहिए परफ्यूम को। वहाँ पे रखने से आपके परफ्यूम्स का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल भी लॉन्ग लास्ट नहीं रहता। अब बारी आती है इट्स लास्ट वर्सेस की। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरा फेवरेट्स में जो रहा है, मैंने जो परचेज किया, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, उसमें भी मैंने काफ़ी परफ्यूम्स दिखाए थे अपने, तो उसमें जो वर्सेस क्रिस्टल ब्राइट था वो मेरा मोस्ट फेवरेट था। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और मेरे पास कुछ ही परफ्यूम्स थे, चार पांच, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करती थी वो था मेरा मोस्ट फेवरेट जो था वो था वर्साचे क्रिस्टल ब्राइट। इस बार मैंने लिया है वर्साचे क्रिस्टल नोर। इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो लाइक पार्टी फ्रेगनेंस है, जैसे आप कहीं इवनिंग पार्टीज़ में जा रहे हो या किसी इवनिंग डिनर में जा रहे हो, नाइट डिनर, नाइट डेट, कुछ भी लाइक उस तरह का ये वाला परफ्यूम है। तो ये वाला मुझे अभी तो मिक्स हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रही इसकी स्मेल, बट जब मैंने स्मेल की थी तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये वाला परफ्यूम मुझे लेना ही लेना है। सो ये वाला मेरा जो था ना परफ्यूम, ये मेरी विश लिस्ट में था, जो कि ये सब को निकाल के ये वाला मेरा सबसे दिल कर रहा था लेने को, बाकी तो मैंने बस ले ही लिए बट इसका मैं ज़्यादा प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये थी मेरी आज की परफ्यूम अनबॉक्सिंग कलेक्शन, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, आई एम श्योर कि आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरी अनबॉक्सिंग देखने का, मेरी इतनी ज़्यादा बातें सुनने का, और मेरे परफ्यूम्स कलेक्शन भी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को सबसे बेस्ट परफ्यूम कौन सा लगा और आप कौन सा परफ्यूम नेक्स्ट लेने वाले हो और कौन सा इन सब में से आपके पास ऑलरेडी है और कौन सा आपका फेवरेट है या रहा है या रहेगा, व्हाटएवर, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, मैंने काफ़ी ब्रेक्स ली थी बीच में कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अगर स्टिल आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने का, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।